एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं रैंच सिमुलेटर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम अपने रैंच में दो पिक्स को लेके आए थे। हालांकि मेरे पास पैसा काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं दो पिक्स को लेके आ गया। क्योंकि देखो, वैसे मेरा मन तो है मैं ज्यादा पिक्स को लेके आऊं, क्योंकि ज्यादा पिक्स होंगे तो उसके बाद हम उनको मार के ना उनसे मीट भी हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन अभी अपने पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने सोचा अभी एक पिक मेल वाला और एक फीमेल वाले पिक को लेके आते हैं, ताकि उनकी ना जो ब्रीडिंग हो वो जल्दी से हो जाए। और उसके बाद जो हमें पिक्स मिलेंगे ना, जो बड़े हो जाएंगे उसके बाद, तो फिर उनको मार के उनका मीट हम बेचेंगे, तो अपने पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ ना, अपने पास देखो कितना, सिर्फ $112 है, सिर्फ और सिर्फ $112। और इतने पैसों में हमें इनका भी भाई गुजारा करना है। उसके बाद अपने पास जो मुर्गी हैं, पिछली बार मैं दो मुर्गियां भी खरीद के लेके आया था, और उनका भी हमें पेट पूजा करनी है। फिलहाल यहाँ पे एक मिनट, दूसरी भाई एक मुर्गी तो है यहाँ पे, दूसरी कहें, अच्छा ये पीछे यहाँ पे आ रखी भाई, मुझे लगा पता नहीं कहाँ भागी। इसको उठा के काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ये बाहर निकल जा रही है बार बार। और यहाँ पे ना खाना तो इनका, चलो खाना पड़ा है, पानी भी इसमें पड़ा ही है, लेकिन और खाना मेरे पास है नहीं क्या, और मेरे पास चलो खाना पड़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले अपने पिक्स को देखते हैं, क्योंकि पिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुर्गियों से ज़्यादा। तो एक बार पहले मैं उनका खाना पानी देख लेता हूँ कि खाना पानी पूरा फुल है या फिर नहीं। पहले इसको बंद कर दो, नहीं तो भाई वो वापस निकल जाते हैं इसमें। ठीक है, अभी खाना तो इसमें पड़ा है यार, ठीक है पाँच पड़ा है, और इसमें कितना पानी, तो भाई ये बहुत ही कम पीते हैं, तो अभी डालने की जरूरत है नहीं। मैं काम करता हूँ, इस खाने को भी ना हम यहीं पर रख देते हैं, जब इनको जरूरत पड़ेगी ना, जब इनका भोजन खत्म हो जाएगा तो इसमें मैं ला के खाना डाल दूंगा। फिलहाल अभी इसको बंद करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और देखो, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज अपने लिए ना हम भाई वो जो एक नई कार है ना उसको खरीद लें, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको भाई हम चलाना बंद करें, अपने दादाजी के टूटी फूटी सी कार को हम एक नई कार खरीदेंगे। तो उसके लिए ना जाके पहले मुझे इसका प्राइस चेक करना पड़ेगा। और इन्होंने अंडे नहीं दिए क्या यार, अंडे इन्होंने एक भी नहीं दिए। यहाँ पे अंदर अगर मैं देखूँ भाई, अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया ना इन्होंने, ये क्यों भाई, एक अंडा कम से कम दो यार, दो चार अंडे दो, ताकि मैं भाई उनको बेच कर थोड़ा सा पैसा कमा सकूँ। इसमें कितने पड़े हैं, इसमें दो अंडे पड़े हैं, दो से क्या होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको बेच देंगे तो इससे जो थोड़ा सा पैसा है ना हमें वो मिल जाएगा। एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी गड्डी को लेकर चलते हैं, और उसके बाद जाके जो प्राइस है ना मैं वो भी एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। एक बार हम प्राइस भी चेक कर लेंगे, ताकि उसके हिसाब से फिर हम जो पैसे उनको इकट्ठे करें। मुझे लग रहा है कि मुझे ना शिकार काफ़ी सारा करना पड़ेगा यार, तभी जाकर ना मेरे पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो पाएगा, क्योंकि अभी अपने पास इतने ज़्यादा पैसे कमाने का ऑप्शन है नहीं। लेकिन एक ऑप्शन है, वेट, एक ऑप्शन है भाई, एक ऑप्शन मैं भूल रहा हूँ, इन्होंने नई चीज़ ऐड करी है, और वो है भाई वो फ्यूल वाला सिस्टम। वो फ्यूल वाला सिस्टम कहाँ पर है मुझे वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। नहीं इसमें तो नहीं, इसमें देखें, इसमें क्या पता हमें देखने को, ये तो ग्रीन हाउस का है ना यार, वो ऑयल रिफाइनरी पता नहीं क्या चीज़ है वो, तो वो मैं ना अब बिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन बिल्ड पता नहीं कहाँ कर सकता हूँ, मुझे वो देखना पड़ेगा। और वो है कहाँ पे, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा यार। बी हाई, ये रहा देखो, ड्रिल रिग, तो इसके लिए मुझे चाहिए 20 मेटल। भाई ये तो बहुत महंगा आएगा यार, ये बहुत ज़्यादा महंगा आएगा यार। और ये लगेगा कहाँ पर पहले मैं एक बार देखूँ भाई, यहाँ कहीं तो लग नहीं रहा है, शायद से मेरे रेंच में लगेगा, लेकिन यार इतना पैसा है नहीं अभी मेरे पास, ठीक है। 20 कॉन्क्रीट के पैकेट और 20 मेटल के पैकेट भाई, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, ठीक है। तो उसका भी प्राइस अभी चल के मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर हाँ अगर सस्ते पड़ेंगे ना तो मैं खरीद लूँगा, क्योंकि कार को हम फिर बाद में खरीद लेंगे। क्योंकि देखो, ऑयल जब निकलेगा ना वो, तो उसको हम बेचेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए मैं उसको भी एक बार चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले जाके ना यहाँ पर कार चेक करते हैं कि हमें कार कितने की पड़ने वाली है, इसको यहीं पर रोकते हैं, फटाफट चला जाए अंदर। फिर यहाँ पे लोन वाला सिस्टम भी था ना, मैं लोन ले लूँ क्या भाई, मैं लोन ले सकता हूँ। इसका इंटरेस्ट वगैरह देखना पड़ेगा कि कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना लोन अभी 2500 का है, 1000 का है, 500 का है, तो इंस्टॉलमेंट देखो 86 पर डे, मुझे $86 हर रोज़ यहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे। 25% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ज़्यादा नहीं है भाई ये, 25% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं यार ये। मैं काम करूँ, एक लोन ले लूँ क्या मैं, टेक क्रेडिट यहाँ से, मैं काम करता हूँ, चलो लोन ले लेता, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, हम पैसे रीपे कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, ड्यूरेशन यहाँ पे दिखाता रहेगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और अभी अपने पैसे कितने हो चुके हैं, ठीक है, $2612, एक सेकेंड, अच्छा लेफ्ट टू रीपे, ठीक है, ये लोन का दिखा रहा है। तो टोटल अपने पास $2612 अभी यहाँ पे हो चुके हैं। और अब चल के जो कार का प्राइस है ना, मैं एक बार चल के वो देख लेता हूँ, ठीक, कि हमें कार जो है वो कितने की पड़ेगी। ये तो वाली भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है SUV, हमें थोड़ी सस्ती वाली चाहिए। यहाँ पे एक सेकंड से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास अभी ये वाली पड़ी है SUV, तो हमें देखना है, हमें चाहिए पिकअप, ये $1600 की है, ठीक है, ये वाली 1600 की पड़ेगी। उसके बाद ये तो ATV है, ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे एक कार है, ये वाली 800 की है, ये डासिया 800 की है। मैं इसमें दो पिग या फिर तीन पिग एक काओ, या फिर मैं इसमें डाल सकता हूँ दो गोट को।
एक सेकंड, नहीं नहीं यहाँ पे दो पिग है, एक पिग या फिर एक काऊ और दो गोट। लेकिन नहीं यार ये भी नहीं, ट्रक तो भाई ट्रक तो सीधा 2500 का है और ये 600 की है सेडान, इसमें कैपेसिटी नहीं दिखा रहा यार। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना वो वाले जो SUV है ना, एक सेकंड कहाँ गए, ये तो हार्वेस्टर वगैरह आ गया, ये वाला जो पिकअप है ना 1600 की पड़ रहे भाई अपने को। मैं सोच रहा हूँ ये वाली मैं पिकअप खरीद लूँ तो ये 1600 की पड़ेगी, तो मेरे पास कितने बचेंगे भाई, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये, $1000 बचेंगे। लेकिन $1000 में मुझे ये देखना कि वो जो सीमेंट वगैरह है वो आ पाएगा या फिर नहीं, तो सबसे पहले जाके ना मैं उसको चेक करके आने वाला हूँ। ठीक है, पहले प्राइस वगैरह देख लेते हैं, अगर वो प्राइस में अगर हमारे अंडर नहीं आ पाया तो मैं सीधा कार खरीद के यहाँ से निकलूंगा। अभी चल के सबसे पहले जो अपने पास दो अंडे पड़े ना भाई इसको भेज देते हैं, इससे हमें दो चार जो डॉलर है वो मिल जाएंगे। इसको यहाँ से उठाते हैं एग बास्केट को, ठीक है, उठा के यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पे चलते हैं। एग पे कुछ चल रहा है क्या आज, चिकन सॉसेज पॉक मीटबॉल? नहीं भाई एग पे नहीं चल रहा, तो हमें वही कितने डॉलर मिलेंगे, $12 भाई, एक के हमें 6 मिल जा रहे हैं। देखो तभी मैं कह रहा था कि अंडे अपने पास हो जाते हैं ना 10-12, तो मेरे को यार अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें अभी $12 यहाँ से मिल चुके हैं। उसके बाद अभी जाके हमें एक काम करना चाहिए यार, मैं सोच रहा हूँ, रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं और पिक्स को लेके आता हूँ, ठीक है, क्या कहते हो? तो और पिक्स को अगर हम लेके आएंगे ना तो भाई उससे अपना काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स गो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ हार्डवेयर के स्टोर पे। फिर यहाँ पे कार को अंदर ले जाने की जगह कहाँ पे है? अच्छा बैक साइड से है, यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से जगह बना रखी इन्होंने, यहाँ से हम जा सकते हैं। लेकिन अभी पहले मैं प्राइस चेक करता हूँ कार को, बाद में अंदर लेके चलेंगे, एक बार देख लेते हैं कि वो कितने का पड़ेगा। 20 मेटल की बोरियाँ और 20 कॉन्क्रीट की, तो यहाँ पे ये रही अपनी मेटल वाली और ये 50, एक सेकेंड, कौन सी चाहिए थी हमें, मेटल प्लेट इंटू 50 इंटू 10, यहाँ पे 5-5 किलो की है ना, एक एक सेकेंड, ये तो फिर महंगी पड़ जाएगी अपने को, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ ना यहाँ से। कॉन्क्रीट बैग ये 50 किलो का, यार वो वहाँ पे केजी नहीं दिखाया था ना, एक सेकंड रुको ना, केजी दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है वो, और एक बार मैं चेक करूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट इंटू 20 मेटल इंटू 20, यार ये केजी है या फिर क्या है कि फिर, या फिर पैकेट लगेंगे इतने, ये नहीं पता लग रहा मुझे, एक सेकंड रुको ना, यहाँ पे प्लैंक 15, मुझे लग रहा है कि खाली ना 20 मेटल और 20 कॉन्क्रीट चाहिए हमें, मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करूँ मैं खरीद लूँ 20-20 किलो मतलब, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं खरीद के देखता हूँ, ठीक है, एक बार लगा के देखते हैं, इसको पहले अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे देखो अपनी मेटल ये रही ना, ये तो 50 किलो है, 10 वाला करते हैं हम, और यहाँ से कितने 5 किलो वाला ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, ये हो जाएगा, उसके बाद ये 10 और 10, 20, ठीक है। तो देखो ये अपना हो जाएगा और 300 का अपने को पड़ जा रहा है वैसे ये, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ एक बार, ठीक है, इसको चेकआउट करते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि हम उससे काम कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम इसको बचा लेंगे ना, बाद में अपने काम आ जाएगा, वैसे भी ज़्यादा पैसे अपने गए नहीं है, तो फटाफट से एक काम करना पड़ेगा मुझे ना, इनको ले जाके ना यार मुझे गड्डी अंदर लेके आनी पड़ेगी। एक काम करते हैं इसको ना मैं, चलो यहीं पर रख देता हूँ भाई, यार क्या मस्त कार है यार, यार ऐसी कार ना इनको ऐड करनी चाहिए भाई, खरीदने के लिए गेम में ऐड कर रखिए, लेकिन हम नहीं परचेज कर सकते, ये भाई ना इंसाफी है, चीटिंग कर रहे हो भाई तुम, ठीक है, ये कार ऐड करनी चाहिए, देखो क्या मस्त लग रही है भाई, ऐसी अगर होती ना शॉप में पक्का खरीद लेता। लेकिन चलो अभी जितना भी सामान अपने पास, ओ भाई पलटना नहीं पलटना नहीं, जितना भी सामान अपने पास पड़ रखा है ना वो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ और डालता हूँ सारा का सारा अपनी गड्डी में, उसके बाद यहाँ से इसको लेके निकलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ भाई भालू वगैरह हम मारने चलते हैं, क्योंकि मैंने भालू मारा नहीं है, ठीक है, और उसको मारते हैं ना तो भाई उससे मीट काफ़ी ज़्यादा मिलता है और काफ़ी महंगा भी बिकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत शिकार भी हम लगे हाँ तो कर ही लेते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, इसको इसके ऊपर ही रख देता हूँ ना मैं, स्पेस अभी अपने पास कम है, ठीक है, एक आ तो जाएगा, यहाँ पे एक ये हो गया, उसके बाद एक सीमेंट की बोरी और यहाँ पे आ जाएगी 2, ठीक है, और एक बोरी और पड़ी है ना, ठीक है, सारा सामान आ जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सामान है तो नहीं, इसको मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जो अपने ये मेटल है ना इसको हम रख देंगे यहाँ पे, और अगर एक बार ये लग जाता ना भाई तो भाई अपना काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तेल निकलता रहेगा, ठीक है, और भाई उसको हम बेचते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको रखते हैं हम यहाँ पे, लो भाई सारा सामान मैंने रख लिया और अब फटाफट से यहाँ से निकला जाए। वैसे यहाँ पे ना भालू वगैरह इधर ही नज़र आते हैं, यहाँ पे नज़र तो आते हैं लेकिन अभी मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी काम करा जाए, मैं ना एक बार चेक करके आऊँगा अभी, ठीक है, पहले जो सामान है ना इसका देखते हैं कि पहले रेंच चलते हैं, ठीक है, रेंच में जाके ना पहले देखते हैं कि ये जो ऑयल वाला सिस्टम है ना रिफाइनरी है जो ये जो भी है, ठीक है, कि ये लगेगी कहाँ पर, ठीक है, पहले मैं वो जाके देख के आने वाला हूँ। ओके, तो अभी अब मैं सारा सामान लेके पहुँच चुका हूँ अपने रेंच में, और अब एक काम करते हैं इसको हम लगाएंगे पता है कहाँ पर, थोड़ा सा दूर लगाएंगे हम, यहाँ पे इधर लगा दूँ क्या मैं, यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं ना इसको यहाँ कहीं लगा दूँ, इधर कहीं साइड में, ठीक है, इतनी दूर ठीक रहेगा। तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं उसको बिल्ड करता हूँ, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये तो यहाँ पर लग नहीं रहा, वेट भाई इतनी स्पेस खाली तो है यार, यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं है, लग तो जाना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं लग रहा ये,
थोड़ा सा आगे लेके चले क्या भाई? तो कहीं भी नहीं लग रहा ये क्या हो रहा है देखो, कहीं भी नहीं लग रहा ये। नहीं यार ये तो फिर मैं अपने रेंज के बाहर तो इसको लगा नहीं सकता, ठीक है अपने रेंज से दूर, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लग रहा भाई ये क्या हो रहा है? देखो मैं कितनी दूर दूर लेके जा रहा हूँ फिर भी भाई ये कहीं भी लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा यार, ये तो गलत है भाई। ओके सो अभी ना मैंने चेक करा और इन्होंने ना कुछ लोकेशंस बता रखी है जहाँ पे ऑयल, जो ये वाला ऑयल रिग है ना वो लग सकता है, क्योंकि भाई हम कहीं मतलब ऐसी वैसी जगह जहाँ हम चाहें वहाँ लगा नहीं सकते। तो अभी काफ़ी सारी लोकेशंस मैंने देखी है, तो एक लोकेशन देखो मैंने मैप में मार्क करी ये वाली, अभी बहुत सारी जगह पे लगा सकते हैं भाई इधर उधर कहीं भी। मुझे तो लग रहा था कि खाली अपने रेंच में लगेगा, नहीं हम इधर 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 कहीं भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने सबसे जो पास वाली लोकेशन है ना वहाँ पर मार्क लगाया है, तो वहाँ पर काम करते हैं। मैं वहाँ पर एक सेकंड में पैदल क्यों जा रहा हूँ, गड्ढे लेके चलते हैं ना, क्योंकि गड्ढी में अपना सारा सामान पड़ रखा है, तो साथ ही साथ अगर वहाँ पे लग जाता है ठीक है तो हम वहीं पे उसको बिल्ड कर देंगे, नहीं तो हम किसी दूसरी लोकेशन पे जाके वहाँ पे जाके बिल्ड करके आएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, पहले मैं इनका खाना पानी चेक कर लूँ। भाई जिंदा है ना ये, जीवित हो भाई तुम अभी तक? वो बड़े हो गए भाई, ये थोड़े से बड़े हो चुके हैं। एक सेकेंड, क्या बात है भाई, इनकी तो ग्रोथ बड़ी अच्छी खासी हो रही है। देखो यहाँ पे जो फीमेल वाली है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि हमें ना एक दो दिन में जो बेबी पिक्स है ना वो भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इन्होंने गंदगी काफ़ी मचा रखी है, तो सबसे पहले मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये तो भाई क्या पता ये गंदगी की वजह से ये बीमार ना पड़ जाए, और बीमार होने की वजह से मर ना जाए। तो फटाफट से मैं इन सबको यहाँ पे ना क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो अपना मेल वाला फिग है, फिग नहीं पिग है, उसको मुझे देखना है कि ये कितना बड़ा हुआ है। ठीक है ये भी तो ठीक ठाक हो चुका है भाई, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भी। लेकिन खाना यार एक सेकंड में भर देता हूँ, ठीक है खाना इसमें भर ही देता है साथ। यार एक तो ना पूरे पूरा का पूरा बैग यूज़ हो जाता है यार, ये नहीं कि थोड़ा सा बैग में बचा रहे, क्योंकि उसमें देखो दो तीन तो पहले से पड़ा था। एक बार अपनी मुर्गियों का देखे, अपनी मुर्गियाँ भाई समझदार हो चुकी है, देखो यहाँ से निकल ही नहीं रही हैं। यहाँ पे अंडे तो ये भी नहीं दे रही यार, भाई अंडे दे दो भाई, क्या हो रहा है इनको? यहाँ पे खाना तो है इनका, देखो अभी तक खाना पानी तो पड़ा हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं फटाफट से, अपनी गड्डी को लेके चलते हैं एक बार जाके वो जो लोकेशन है ना, पहले मैं वहाँ पे देख के आता हूँ ऑयल जो अपनी रिग है ना वो लग पाती है या फिर नहीं। सो देखो अभी ना पहुँच चुका मैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे भाई वो लोकेशन इन्होंने बताई है। तो यहाँ पे कहीं दिखा रहा है कि मैं लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं खुली जगह तो यहाँ पे। ओ ठीक है देखो यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है। अच्छा भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लग जाएगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। प्लीज़ लग जाना चाहिए यार, ऐसा ना कर भाई, लग जा प्लीज़ लग जा भाई। नहीं लग रहा यार ये तो, यार यहाँ लग तो जाना चाहिए, अब क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने बताया तो है कि यहाँ कहीं लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं लग रहा, देखो कहीं भी नहीं लग पा रहा है। थोड़ा सा आगे चले, एक सेकंड यार ये ना, एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना प्लेन वाली जगह चाहिए मुझे, क्योंकि तो देखो नीचे से ना वो जो रेड रेड सा इसका ये मार्क नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल ज़मीन के नीचे घुस जा रहा है, तो क्या पता मैं यहाँ पे इसको लगा पाऊँ। नहीं भाई यार ये तो कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे लग तो जाना चाहिए था बट देखो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा लगाने का। मैं काम करूँ, मैं दूसरी लोकेशन पर जाके देखता हूँ भाई, यहाँ नहीं लगेगा यार। ओके सो अभी ना मैं तीसरी लोकेशन पे आ चुका हूँ भाई, दो लोकेशन पे तो लग नहीं पाए, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहीं लग पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे भी ऐसे प्लेन जगह तो है, लेकिन वैसी सी जगह नहीं दिख रही यार जहाँ पे लग जाए। यहाँ पे काम कर, ओ यहाँ पे लग सकता है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह प्लेन है ये, देखो ये वाली, तो क्या पता यहाँ पे। ओ वेट 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 भाई, इसको पहले बाद में लगाएंगे। वो सामने देखो, वहाँ पे सामने मुझे एक भालू नज़र आ रहा है, पहले चल के उसकी पिटाई करते हैं, क्योंकि उससे ना हमें भाई काफ़ी सारा मीट मिल जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, अबे यार यहाँ से मैं टाप ही नहीं पा रहा, एक मिनट। वो यहीं से मार दूँ क्या मैं? यहीं से मार सकता हूँ मैं इसको। ये पहले ये था, एक लगा उसके, दूसरा तीसरा चौथा, भाई मेरे पास ही भाग के आ रहा था, लेकिन वो तो यहाँ से उछल भी सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले उसको उछाल दिया। अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले ना इसका मीट लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और मैं बाहर यहाँ से निकल नहीं सकता, मुझे गड्डी लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अब ऑयल की लोकेशन देखते हैं, ठीक है यहाँ पे तो मैं लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं लग जाए क्या पता। नहीं यार यहाँ पे भी नहीं लग पा रहा भाई, ये तो बिल्कुल प्लेन एरिया है यार, ये देखो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे फिर भी नहीं लग पा रहा यार ये। एक मिनट भाई, ये पीछे जगह काली काली सी क्या हो रखी है? वो वेट शायद से वहाँ पे लग सकता है, क्योंकि देखो वो ज़्यादातर वो जो जैसी ब्लैक सी जगह सॉइल होती है ना, ज़्यादातर वहीं पे लग जाती है ये, तो क्या पता यहाँ पे पीछे लग जाए। एक काम करते हैं मैं वहाँ पे बाहर जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे पीछे एक हिरन भी आ रखा है, तो अभी उसकी भी पिटाई करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे एक अंकल बैठ रखे हैं, एक मिनट ये किस लिए बैठे हैं? अच्छा इनसे मैं टास्क ले सकता हूँ, अंकल नहीं यहाँ पे एक आंटी है, तो मैं इससे एक टास्क ले सकता हूँ, और ये मुझे ब्रेकफास्ट क्लीनिंग एनोइंग फॉक्सेस,
एक काम करें, इससे हम एनोइंग फॉक्सिस वाला करते हैं, ठीक है। हमें वो मारने पड़ेगी, जो फॉक्स होता है ना उनको मारना पड़ेगा, ठीक है। इसने इसकी जो फॉक्सिस है ना, उन्होंने इसके जो चिकन्स होते हैं उनको मार देते हैं, तो ये कह रहा है भाई हमें उससे बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने मारने? 2 फॉक्स मारने, उसके बाद हमें जाके इस जो रेंचर है ना, ये भी एक रेंचर है, तो इससे आगे बात करनी है। लेकिन फॉक्स को मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसको बाद में ढूंढूंगा। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, अपनी जो गड्डी है ना वो यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। गड्डी को निकालते हैं, वहाँ पर जाके मैं पहले जो ऑयल रिग है ना वो लगा के देखता हूँ, और मुझे लग रहा है कि अब लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर लग जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो हमने भालू मारा है ना भाई, उसको भी मुझे वेट, यहाँ पर एक और भालू है शायद, ये सामने क्या था? अरे नहीं यार, ये इसकी वो ब्रांच मुझे भालू लगा। लेकिन चलो एक काम करा जाए, यहाँ से पहले अपनी गड्डी को निकालते हैं हम। वो देखो, वो वेट भाई, वो फॉक्सेस देखो उसके पीछे पड़ रखे हिरन के, अबे तीन तीन है उसके पीछे पड़ रखे हैं तीनों, उसको मारने के लिए। कोई बात नहीं, मारने दो, वहाँ से वो जंप करके निकल नहीं पाएगी ना, मार देंगे उसको भाई साहब, उसको मार दिया उन्होंने। मेरे पास आ रहा है एक, मेरे पास आ रहा है एक मिनट रुको, इसकी पिटाई मुझे करनी पड़ेगी। अब ये तो बड़ी आसानी से मिल गई, मुझे लग रहा था मुझे ना इनको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तो बड़ी आसानी से मिल गया। एक वो सामने जा रहा है, नहीं यार वो नहीं, उसके लगानी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। काम करता हूँ मैं, पहले जो ऑयल रिग है ना यहाँ पे लगा के देखता हूँ भाई, लग जाएगा, शुक्र है यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है। इसको करते हैं हम प्लेस, चलो इसको मैंने प्लेस कर दिया, और अब इसमें हमें जो सामान है वो लगाना पड़ेगा भाई, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। 20 ही दिखा रहा है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं मेटल, ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। 10 हो गया, लेट्स गो भाई। तो काफ़ी मतलब उसमें कम रिसोर्सेज में बन गया, 10 मेटल हो गया। उसके बाद जो कॉन्क्रीट है हमें वो उठाना है, एक मिनट पहले ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। उठाते कॉन्क्रीट, एक डालते इसके अंदर 5 किलो, ठीक है। उसके बाद ये 10 किलो, ठीक है, एक और यहाँ पे 15, और ये लास्ट 20, ठीक है। ये बिल्ड हो चुका है, लेट्स गो भाई, ये यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, ये देखो, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें मैं ऑयल कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या चलाने का इसको? और यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा तो रहा नहीं है भाई, इसको यूज़ कैसे करना है मुझे तो वो पता ही नहीं है यार। एक मिनट, कुछ इंसर्ट करने के लिए आ रहा है, प्रेस ई टू इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है यहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे शायद से मुझे कुछ ना इसमें इंसर्ट करना है भाई, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, तो इंसर्ट करने का, इसमें आ रहा है ऑप्शन इंसर्ट करने का, इसमें डालूँ क्या मैं, इसमें क्या डलेगा? एक मिनट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो आ रहा है कि देखो, एक तो उसका ये मैन्योर का है, और एक है ये शायद से फर्टिलाइज़र का है, पता नहीं क्या चीज़ है। एक मिनट रुकना, मैं इसमें एक बार देखूँ, ड्रिल ऑयल एक्टिव ड्रिलिंग्स रिक फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम एक्टिव साइट्स, फिर इसमें और कुछ डालना है शायद से मुझे, वेट एक मिनट रुको, देखो इसमें ना कुछ मुझे डालना पड़ेगा शायद से, मुझे ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है ना इसमें से मुझे कुछ डालना है। मैं अभी लेके आऊँगा, ठीक है, उसको एक काम करते हैं लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपनी जो बास्केट है ना उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चल के ना मैं फटाफट से वो जो भालू है ना भाई, उसकी जो स्किन है ना वो निकालते हैं, ताकि उसका जो मीट मुझे मिल सके। उसके बाद जो फॉक्सिस है उनको मारना पड़ेगा, ठीक है। फॉक्सिस वो सामने नज़र आ रही है, मुझे नज़र तो आ रही है, एक मिनट भाई, यहाँ पे एक उसको भी मार रखा है, एक बियर को भी मारते हैं, बियर को तो चलो मैंने मार दिया था, इसकी स्किन करते हैं। और यहाँ से रुक जा यार, मैं अपने साथ कूलर के बॉक्स ही लेके आया ना, मुझे वो लेके आने चाहिए थे, ठीक है, ताकि उसमें देखो इसका मीट का ना जो पीस है ना बहुत बड़ा होता है, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है ये, तो 4 तो चलो 4 तो आ जाएंगे, लेकिन भाई उस हिरन का पता नहीं मीट मैं उठा पाऊँगा या फिर नहीं। इसको मैं एक काम करता हूँ, डब्बे को खोल देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा ये, यार आ जाता तो थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिल जाती है। नहीं भैया नहीं आ पाएगा, मुझे ना इसको यहाँ पे ऐसे साइड में करके यहाँ पे रखना पड़ेगा इधर, ठीक है। चलो 2 और बचे, फटाफट से इनको भी उठाते हैं, और इसको भी जाके मैं रख देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बचा है लास्ट वाला मीट, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना ये यहाँ पे इसके साइड में, यहाँ अबे आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो फॉक्सेस तो मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तीन तीन है भाई, तीन है कि 4 है, नहीं है तो 3 ही है। अब इनको मुझे मारना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहाँ से ना अपनी गड्डी को, मैं एक काम करा जाए यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, पहले रुको इसको रिलोड मार लूँ मैं, और अब ना इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, आगे लेके चलते हैं, ताकि मैं जंप करके ना सीधा ऊपर चल जूँ, सीधा उसके अंदर घुस जूँ मैं रेंच के, नहीं तो फिर मुझे घुमा के गड्डी लेके जानी पड़ेगी। यहाँ चलते हैं यहाँ से यहाँ, और अब वो जो फॉक्स है ना खाएंगे वो, ठीक है, वो रहे सामने भाई, मुझे भी काट सकते हैं, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो तीनों के तीनों भाई, ये तो मुझे तीनों दोस्त लग रहे हैं, शिकार ही तीनों। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक मिनट रुक जा रुक जा, एक जगह, अबे यार एक जगह नहीं रुक रहे हो भाई वो, एक सेकंड भाई, मुझसे डर के भाग रहे हैं ये, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करने वाले ये। एक मिनट रे, ये कहाँ, एक तो गया भाई, क्या आवाज़ निकाली उसने, एक और आ रहा है, तू भी ले दूसरा, और ये हैट्रिक लग जाएगी। ओ भाई साहब हैट्रिक लगने वाली थी, लेकिन ये बच गया। इधर इधर रुक जा रुक जा, एक जगह रुक, बहुत गंदे निशाने हो रहे हैं भाई, गोली वेस्ट हो रही है मेरी,
अबे यार मैं गोली वेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा से उसके पास चलने दो, इसके थोड़ा पास चलते हैं, उसके बाद मैं इसको मारूंगा, नहीं तो मेरी सारी एमओ खत्म हो जाएगी। देखो उसके बाद मुझे एमओ फिर खरीद के लेके आनी पड़ेगी। रुक जाएगा ना, एक जगह रुक, रुक जाओ, ये से पड़ेगा इसके, ये खा, खत्म। चलो भाई हमने, अच्छा मुझे दो ही मारने थे, मैं तीनों के पीछे पड़ गया था, मुझे दो ही मारने थे सिर्फ। लेकिन इसकी स्किन करेंगे तो मिलेगा कुछ मुझे इससे? भाई मीट इनसे भी मिल रहा है, दो दो, क्या बात है यार, दो दो मीट मिल रहा है। बताओ मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इनसे, लेकिन इस हिरन को भी मैं स्किन कर देता हूँ, इससे तीन मीट मुझे मिल चुका है। लेकिन यार वही पंगा है ना, मैं इसको यहाँ पे रख नहीं सकता ना। चलो मैं यहाँ पे नीचे रख, भाई ये कैसे हवा में अटक चुका है। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से एग्जिट मारते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे पीछे आ जाएगा एक और, नहीं यार पीछे एक और नहीं आ पा रहा, यहाँ पे तो आ जाना चाहिए, ठीक है। एक दो यहाँ पे और आ जाएंगे, तो एक काम करा जाए, मैं फटाफट से जो दो मीट और है ना उनको भी लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकल के चलेंगे हम सीधा एक कार खरीदने के लिए। चलो तो इसमें सिर्फ ना 3, 2, 5 और 1 6 मीट के पीस आ पाए, बाकी मैं बाद में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि भाई इनसे पैसा मिलेगा तो इनको छोड़ना नहीं है। अभी चले गए ना, मैं सबसे पहले वो जो रेंचर है ना उससे बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या पता वो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा पूसा दे दे, हमने उसका काम करा है तो भाई थोड़ा बहुत तो मनी हमें मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, फटाफट से उसके बात करके आते हैं। काश यार मुझे $1,500 दे देना, तो मैं अपना जो लोन है ना मैं उसको रीपे कर दूंगा। अभी चल के इससे बात करी जाए, एक मिनट, आई डील, हाँ मैंने डील कर लिया भाई, मुझे लग रहा है वापस से कुछ टास्क दे रही। $200, बहुत बढ़िया भाई, $200 मिल गया। अपने पास कितने हो चुके हैं? $2,524 अपने पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले जाके ना मुझे काम करना चाहिए यार, इस फॉक्स का भी मुझे मीट तो ले जाना पड़ेगा ना। मैं कूलर का बॉक्स लेके आऊँगा, ठीक है। एक ही बार में जितना भी मीट है ना वो हम सारा एक ही बार में लेके चलेंगे। तो अब ये काम करा जाए, फटाफट इस गड्डी को यहाँ से निकालते हैं, और उसको चलाने के लिए ना वो जो ड्रिल हमने लगाई है वहाँ पे, उसको चलाने के लिए ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सामान मुझे और लेके आना पड़ेगा। तो मैं जाके ना थोड़ा सा सामान और लेके आऊँगा। सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे बेस्ट बर्गर, ठीक है। यहाँ पे चल के सबसे पहले जो अपने पास सामान पड़ रखा है ना, ये सारा मैं यहाँ से बेचने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद चल के वो जो दूसरा सामान है हमें वो खरीदना, पहले मैं गड्डी खरीदने वाला हूँ एक। ओके तो मैं पहुँच चुका हूँ बेस्ट बर्गर की शॉप पे, यहाँ पे देखते हैं कि हमें इनसे जो कितना प्राइस मिलता है। भाई इन पर प्राइस मल्टीप्लायर चल रहा था ना, चिकन यार, चिकन सॉसेज, पॉक मीटबॉल और वाइट मोल्ड, नहीं यार इन पर प्राइस चल नहीं रहा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं अभी बेच दूंगा ना तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? $90, भाई काफ़ी कम पैसा मिल रहा है यार, $15 सिर्फ एक से मिल रहा है। बताओ $6 हमें एक अंडे से मिल जा रहा है, लेकिन एक मीट के पीस से यार सिर्फ $15, नहीं यार। लेकिन बेचना तो पड़ेगा यार क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको बेच देता हूँ, ठीक है। और अब एक काम करा जाए, फटाफट से जाके, एक मिनट ये बिका नहीं क्या यहाँ पे एक और? अच्छा ठीक है, वैसे वो ग्लिच हो रहा था, देखो अभी ऐसा लग रहा है ना कि बिका नहीं है, लेकिन सारा अपना आइटम बिक चुका है। और अब एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से इसको गड्डी को लेके चलते हैं, और अपना आज का जो लोन है ना, ठीक है, आज की जो इंस्टॉलमेंट है पहले मुझे वो पे करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई बाद में वो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देंगे। चलो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ कार की शॉप पर, और अब फटाफट से काम करा जाए, चल के सबसे पहले मैं जो कार है ना वो खरीद लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम फटाफट से वो जो 1600 वाली है ना मैं वो खरीदने वाला हूँ, ये वाली। देखो ये पिकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो सामान है ना वो लेके जा सकते हैं, तो अभी तो अपने लिए यही बहुत बढ़िया है, तो इसको बाय करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर परचेज। ओके अभी फटाफट से चल के उसको थोड़ा सा ना मुझे वो भी कराना पड़ेगा मॉडिफाई, क्योंकि उसके जो पीछे की सीट है ना, मतलब पीछे का जो उसका वो जगह सी होता है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, तो उसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं ताकि मैं और सामान लेके जा सकूँ, ठीक है। तो एक काम कर जाए, फटाफट से इसको लेके चलते हैं। भाई कितनी ज़्यादा गंदी गड्डी दी है उन्होंने, देखो लग रहा है कि सेकंड हैंड गड्डी पकड़ा दी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अबे मिनट, इसको मोड़ो यहाँ से, थोड़ी सी फास्ट है, तो इसको यहाँ पे लेके चलते सबसे पहले विलियम्स गैराज में, ठीक है। यहाँ पे इसको खड़ा करते हैं, और देखो इसको जो पेंट है ना वो हम करवाएंगे, एक सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, उसके बाद जो ब्राइटनेस है वही बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे येल्लो कलर करते हैं इसको, मस्त लग रहा है ना, सैचुरेशन और बढ़ेगी, नहीं और भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी यहाँ से। ऑल ओ वेट, देखो $150 की यहाँ से अपग्रेड हो रही है पूरी, और यहाँ पे तो नन है। एक काम करते हैं, मैं $150 में ना इसको पूरा का पूरा अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको अपग्रेड मारते हैं, मैं वैसे कार को सेल भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो अपने पास वो जो खटारा सी कार पड़ी है ना, मैं उसको सेल कर दूँ क्या, ये वाली छोटी सी अपने पास पड़ी है, क्योंकि इससे फिर मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना बेच के साइड हटाते हैं, क्योंकि अभी वैसे इसका कोई काम तो है नहीं। यहाँ पे इसमें से जो अपनी एग बास्केट है मैं वो निकाल लेता हूँ बस, ठीक है, उसको इसमें डाल देते हैं। और अब फटाफट से इसको देखते हैं कि इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे, अगर अच्छे खासे मिलेंगे तभी बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचने वाला, ठीक है। अपने दादाजी की निशानी है भाई ये, कितने पैसे मिलेंगे? सेल कार, अरे दिखा तो रहने की कितने अमाउंट में खरीदेंगे। ऑल पे अगर मैं इसको करता हूँ, अच्छा इसमें रेडियो वगैरह लगेगा लेकिन ज़रूरत है नहीं। अपने पास $864 दिखा रहा है, अगर मैं इसको बेचता हूँ तो आर यू श्योर वांट टू ऑल कार्गो विल बी डिलीटेड? यस। कितने? $400 यार, काफ़ी कम मिले यार, मुझे तो लग रहा था कम से कम $1,000 मुझे मिल जाएंगे उस कार से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चल के मैं जो आज की जो अपनी इंस्टॉलमेंट है ना मैं फटाफट से उसको पे कर देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम,
ठीक है, अपने पास कहाँ गया, रीपे, यहाँ पे रीपे कर देते हैं। ठीक, नॉट इनफ मनी, एक मिनट, ये क्या है यहाँ पे, $86 पर डे दिखा तो रहा है, पैसे शायद से अपने आप कट जाएंगे मुझे लग रहा है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रीपे का आ रहा है कि पूरा अमाउंट हम एक बार में पे कर दे, लेकिन अभी अपने पास इतना अमाउंट है नहीं, 1200 पड़े, तो मुझे लग रहा है ना कि जब हम देखो सो जाएंगे ना, उसके बाद जो अमाउंट है ना वो अपने वॉलेट में से शायद से अपने आप ही डिडक्ट हो जाए, तो इसलिए अब ये काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, हम चलते हैं सीधा अपने रेंच, वैसे रात तो होने वाली है, एक काम करा जाए, यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ अभी ना, यहाँ पे हम जाके कहाँ गए अपना जनरल स्टोर, ठीक है, यहाँ से चल के वो जो सामान था ना मैं वो लेके आ सकता हूँ, वो जो ड्रम से उसमें दिखा रहा था ना कि वो ड्रम से हमें उसमें इंस्टॉल करने हैं, तो एक बार जाके ना मैं उसको देख के आता हूँ। ओके, तो अभी अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं कल रात को ना भाई अब वापस से अपने रेंच आ गया था, पहले मैं सोचा था कि वहाँ पर जाके मैं काम कंप्लीट करूँगा, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा होगी तो मैं वापस अपने रेंच आ गया, और भाई आज क्या मस्त हवा चल रही है, देखो क्या बढ़िया हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, अपने बंदों को महसूस हो रही है लेकिन हमें नहीं, तो अभी मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जाके अपने पिक्स, ओ भाई भाई काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया एक दिन में ही, मोटा हो गई है वाली कौन सी है, एक बार ये वाली फीमेल है, ठीक है ये फीमेल वाली है, भाई एक ही दिन में कितनी ज़्यादा मोटी होगी ये, और उसके बाद जो अपना मेल वाला भाई, दोनों कद्दू का सो रखे हैं भाई साहब, क्या बात है, इसका मतलब अब हमें ब्रीडिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है, इनका खाना पड़ा, चम्मा खाना ख़त्म कर दिया भाई, इनका पेट मोटा आ गया, सारा खाना एक ही बार में खा गए, अपनी मुर्गियाँ देख लेते हैं कि मुर्गियाँ जिंदा है, ये तो जिंदा होगी, खाना इनका भी, इनका भी खाना खत्म हो चुका है, जल्दी यहाँ से हटो, फटाफट यहाँ से निकलो, हमें जाके फटाफट से भाई खाना लेके आना पड़ेगा, ठीक है दो तीन बोरी में लेके आता हूँ, क्योंकि पानी तो पड़ा होगा, बस मुझे फटाफट से जाके खाना लेके आना है, और अभी देखो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की इसमें, वेट एक सेकंड, वो ऑयल वाला ना हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो अंडे है ना यहाँ से इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ऑयल वाला मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं ग्लोसरी में, और यहाँ पे देखो ऑयल ड्रिलिंग फॉर ऑयल, तो देखो वंस यू बिल्ट यू नीड टू पावर द रिग यूजिंग गैसोलीन, यू कैन कलेक्ट द ऑयल बाय होल्डिंग एन ऑयल बैरल एंड होल्डिंग वाइल लुकिंग एट द रिग, ठीक है तो मुझे वो खरीदना पड़ेगा, मतलब वो जो जेरी कैन है ना वो मुझे चाहिए, एक मिनट जेरी कैन तो अपने पास पड़ा है ना, वेट यहाँ से काम करते हैं, जेरी कैन को लेके चलते हैं, ठीक है मुझे ना उसमें पहले पेट्रोल डालना पड़ेगा, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी है, तो मुझे वो डालना पड़ेगा तब जाके वो एक्टिवेट, ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो यहाँ भी उठा के फेंक दिया मुझे, लेकिन वो मैंने अपना जेरी कैन यहीं कहीं रखा था, एक मिनट, जेरी कैन यहीं पर कहीं पड़ा था यार, मैंने यहाँ पर देखो यूज़ करा था उसको, यहीं होना चाहिए वो, और ये पड़ा, ठीक है यहाँ से काम करते, इसमें तेल है क्या भाई, तेल का बादू है इसमें, तो मुझे लग रहा है कि अपना जो काम है ना वो इतने से ही हो जाएगा, एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और मुझे एक ऑयल बैरल चाहिए ताकि जो ऑयल उसमें से निकलेगा ना मैं उसमें कलेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि उसके अलावा हम किसी और चीज़ में जो ऑयल है ना वो कलेक्ट नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, अच्छा नीचे भाई वो अभी भी उसकी वो जो शाखा है ना वो लग रखी है, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से काम करते चलते सीधा हम जनरल स्टोर पर, और यहाँ पर एक मिनट एक हिरन यहाँ पर मर रखा है, हाँ वेट अभी क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ स्पॉन कर दे रहे हैं, मैं उतर कहाँ पे रहूँ और कहाँ पे स्पॉन कर दे रहे हैं एकदम से, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, स्पॉन नहीं ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैं फटाफट से उठा लेता हूँ, ठीक है वहाँ से भी हमें मीट लेके आना है, ठीक है वहाँ वाली जगह तो हम चल ही रहे हैं, तो वहाँ से भी मीट लेके आ जाएंगे, इसको करते हैं बंद, और यहाँ से सबसे पहले हम निकलेंगे जनरल स्टोर पे, यहाँ पे पीछे है ना, तो एक काम करते हैं इसे पीछे से निकालते हैं ना, मार्क लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने वो वाली जो लोकेशन है ना जहाँ पे हमें जाना है, तो वो वाली लोकेशन मैंने मार्क लगा रखी है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है अगर मैं वहाँ से मार्क अभी हटा दूंगा ना तो भाई वो जगह अपने क्या पता इधर उधर हो जाए, तो हम उसको ढूंढ ना पाए, तो इसलिए मैं फटाफट से काम करते हैं, ऐसे निकलते सीधा हम जनरल स्टोर के लिए, यहाँ चढ़ जाएगी ऊपर अपनी गड्डी आराम से भाई, अपनी गड्डी कहीं भी चढ़ सकती है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो रहा सामने अपना जो जनरल स्टोर है वो रहा, तो बस अभी फटाफट से जाके यहाँ से जो अपना वो है ना ऑयल बैरल यहीं पे मिलेगा शायद से, कि हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मिलेगा कि फिर हमें जाना पड़ेगा हार्डवेयर स्टोर, ये रहा यही है ना शायद से बैरल है ये ऑयल बैरल भी मेरे हिसाब से यही है भाई, यही खरीद लेता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, मैं दो ले लूँगा, 18 का एक पड़ रहा है, दो ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं चेकआउट, ठीक है यहाँ पे सामान तो अपना हो चुका है, और उसके बाद खाने का भाई, सबसे पहले खाना जाके उनको दे के आना पड़ेगा, दो से काम नहीं चलेगा, 4-5 लेके चलेंगे हम भाई, दो से कुछ भी नहीं होएगा, और पैसे $772 अपने पास पड़े हैं, लेकिन पैसा अपने पास होने वाला, बस मुझे लग रहा है कि कल तक शायद से जो उनकी ब्रीडिंग है ना वो चालू हो जाएगी, और यहाँ पे ये सारा सामान अभी मुझे फटाफट से भरना है, यहाँ पे लेके चलना है,
ठीक है, नहीं तो भाई अपने जो वहाँ पे जो एनिमल्स है ना हम बेचारे मारे ना जाए, तो फटाफट से काम करते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है कि यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट यार, मैं यहाँ पे ऊपर भी तो रख सकता हूँ ना, ये देखो ऊपर भी जगह है भाई, तो यहाँ पे हम इसको आराम से रख सकते हैं, अपने पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यार, अब तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अपने पास ये वीट के बैग पड़े हैं, चाहे पे चाहे वो जो ऑयल का बैरल पड़ा ना, तो वो भी हम सारा एक ही बार में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको भी यार ऐसे रोटेट करके रखता हूँ मैं, ठीक है ऐसे ना दो दो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे करके, देखो इसको भी रोटेट करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा अपना दूसरा, तीसरा नहीं आ पाएगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से मैं सामान भरता हूँ, ठीक है। पहले जाके हम जो अपने एनिमल्स हैं उनको खाना दे के आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम जाने वाले उस वाली लोकेशन पे। ओके फटाफट से जो खाना है वो निकालते हैं भाई, ये देखो बेचारा यहीं पे आ रखे है, जैसे मैं लेके आया ना बेचारा यहीं पे आ गया था खाने के लिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाना तुम्हें मिलेगा भाई, यहाँ से इसको मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाओ देखो सीधा वहीं पे जा रहा भाई, इनको भूख लग रखी थी तगड़े वाली, इसको भूख नहीं लगी क्या, तू भी खा ले भाई कुछ। देखो वहाँ पे वो तो चलने गई खाना खाने चली गई, लेकिन वो नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ एक वीट का जो बैग है ना और उठाता हूँ, और इसको जाके जो अपने चिकन्स है ना उनको दे के आते, दोनों जिंदा है ना, ठीक है जिंदा तो है यार। ये अंडे नहीं दे, वो दे दिए अंडे भाई, एक देसी अंडा और एक तो ये वाला है नॉर्मल सा, चलो कोई बात नहीं हमें पैसा तो मिल जाएगा ना इनसे। देखो एक दो ही है ना अभी, हाँ अभी दो ही नज़र आ रहे हैं मुझे, चलो ठीक है अभी एक काम करेंगे, इसको भी हम बेचने चलेंगे, लेकिन अभी मैं पहले जाके ना भाई वो जो अपना काम है वो करने वाला हूँ। सबसे पहले जो वीट है ना उसको उठा के मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है बाद में उठा के इसको सेट कर देंगे। अभी तो ऑयल बैरल लगता है यहाँ पे, और अब फटाफट से निकल जाते हैं सीधा हम उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने जो अपना ऑयल रिग है ना उसको लगा रखा है, 500 मीटर की दूरी पर है। और उसमें फ्यूल कितना है भाई, आधा फ्यूल खत्म कर दिया मैंने। ओके तो अभी मैं सारा सामान लेके आ चुका हूँ वापस से अपनी लोकेशन के पास में, और अब हमें एक काम करना है, यहाँ से फटाफट से जो अपना जेरी कैन है ना यहाँ से उठा लूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं, और जो मशीन है भाई चालू हो चुकी है, क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी स्टार्ट होगी, तो कितनी जल्दी भर रहा है इसमें, ये कितना 50 होना चाहिए और ये नीचे वाला जो है वो 1000 होना चाहिए, तब शायद से मुझे थोड़ा सा फ्यूल, एक मिनट ये क्या हुआ खत्म, अरे भैया ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, वो ठीक है स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लेट्स गो। अच्छा स्टार्ट करना उसके बाद में, ठीक है स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखते हैं कि ऑयल हमें कितना मिलता है एक बार, भाई कितना मस्त लग रहा है ना चलते हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार सही में। लेकिन मुझे ऑयल कलेक्ट कहाँ पे करना है मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं कलेक्ट कैसे कर सकता हूँ इसको ऑयल को, ये आएगा कहाँ से, इसका आउटपुट कहाँ से निकलेगा, एक सेकंड रुकना, एक काम करूँ अपना जो ऑयल बैरल है ना यहाँ पे इसको निकालते हैं, और यहाँ पे कहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ यार, ये ऑयल बैरल है या फिर हनी वाला है यार, ये तो सेम सेम ही है, वहाँ पे ऑयल बैरल तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे निकलेगा कैसे, शायद से मुझे वेट करना पड़ेगा अभी ना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या पता थोड़ी टाइम बाद जो फ्यूल है ना मतलब जो ऑयल है वो हमें देखने को मिल जाए, पर मैं इसको टर्न ऑफ करके देखूँ क्या पता कुछ मिला, वो नहीं वेट, ये देखो नीचे एक दिखा रहा है कि 1% ये हो चुका है, एक मिनट शायद से अब मुझे मिल जाए भाई थोड़ा सा ऑयल, एक काम करते इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, यार ये ऐसा कहाँ पे ऑप्शन है जहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ, ऐसा कोई लगाने का, देखो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है अभी, मैं एक बार टर्न ऑफ करूँ, एक बार टर्न ऑफ करते हैं, और अब एक काम करते हैं अब निकाल के देखता हूँ यार, अब तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुकना यार, यहाँ पे ग्लोसरी में तो यही दिखा रखा था कि यहाँ पे देखो यू कैन कलेक्ट द ऑयल बाय होल्डिंग एन ऑयल बैरल एंड होल्डिंग वाइल लुकिंग एट द रिग, वो तो रानी है यार भाई, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा तो रानी है सिस्टम, ऑयल बैरल यही है ना कि दूसरा आता है ऑयल बैरल, यार मैं इसको चालू कर देता हूँ, ठीक है इसको चलने दो, मैं एक काम करते हैं पर जाके ना चेक करके आता हूँ, क्या पता ऑयल बैरल ना दूसरा हो भाई, वो जाके ना मुझे हार्डवेयर स्टोर देख के आना पड़ेगा, जनरल स्टोर पर तो था नहीं, मैंने वो तो देख लिया, वहीं पर ये वाले सिंपल वाले बैरल थे, इसमें तो हम हनी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं एक बार चेक करके आता हूँ यहाँ पे हार्डवेयर स्टोर कितनी दूर है, यहाँ से इधर से जाना पड़ेगा ना, चलो कोई बात नहीं फटाफट चलते हैं और जाके देख के आता हूँ कि हार्डवेयर स्टोर पे कुछ ऐसा ऑयल बैरल वाला जो सिस्टम है वो मिल रहा है या फिर नहीं। चलो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर, लेकिन एक बार ये मौसम देखो भाई, ये धुंध पड़ने लग गई यार, अभी मुझे लगा गर्मियों का मौसम है लेकिन ये तो सर्दियों का मौसम है भाई, इसमें यहाँ पर धुंध पड़ने लग चुकी है, लेकिन एक बार मैं देख के आता हूँ कि हार्डवेयर स्टोर में ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है अपने को कि नहीं। जेरी कैन, यहाँ पर देखो फ्यूल ट्रेलर है, और ऑयल बैरल का तो भाई कोई निशान ही नहीं है, कोई नामो निशान है भाई, और सॉरी ये रहा यहाँ पे है $250 का, अबे यार ये तो महंगा है भाई, मैं मुझे लोन भी अपना रीपे करना है, लेकिन भाई ये तो काफ़ी महंगा महंगा सामान मुझे मिल रहा है। यहाँ पे सारे फायर बॉक्स है जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन
खरीदना तो पड़ेगा भाई, देखो खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि हमें वहाँ से तेल निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो इसको तो हमें खरीदना जरूरी था। देखते कि इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी, एक बार मैं चेक करूँ कि यहाँ पे 50 की है, ठीक है। 50 लीटर यहाँ पे हम जो ऑयल है ना इसमें हम रख सकते हैं। तो एक बार देख के आते कि वहाँ पे जो ऑयल है ना वो कितना इकट्ठा हो चुका है। काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है, तो मुझे ना और भी ज़्यादा जो ड्रिल्स है ना, ठीक है, ऑयल वाली जो रिग है मुझे वो वहाँ पे ना बिल्ड करनी पड़ेगी थोड़ी अलग अलग लोकेशन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं, फटाफट चलते हैं उस वाली लोकेशन पे और देख के आते हैं कि उसमें ऑयल कितना इकट्ठा हो चुका है और हम एक बार में ना कितना जो ऑयल है ना वो निकाल सकते हैं उसमें से। चलो भाई, अभी मैं आ चुका हूँ वापस से अपनी जो ड्रिल है ना उसके पास में, और अब एक काम करते हैं फटाफट से अपना जो ऑयल बैरल है ना, एक बार पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ऑयल बैरल अब मैंने यहाँ पे कर लिया और ई टू ट्रांसफर भाई ऑप्शन आ रहा है ई टू ट्रांसफर का, और शायद यहाँ पे 4 लीटर इकट्ठा हो चुका है, देखो नीचे दिखा रहा है ना। तो इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँ और अगर हम देखें इसमें, हाँ देखो 4 लीटर यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे रुको ना, यहाँ पे 29.60 जो ऑयल है ना उसमें पड़ा है। तो अभी एक काम करते, देखते कि जो 4 लीटर है ना वो कितने में बिकते हैं भाई। यार अच्छा खासा पैसा मिल जाए ना फिर तो भाई, इससे अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक काम करने हैं हमें, हम यहाँ से वापस से चलना है हार्डवेयर स्टोर और वहाँ पे जाके जो सामान है ना, ये जो ऑयल है हमें वो बेच के आना है। देखते हैं कि 4 लीटर हमें कितने पैसे दे देगा। चलो भाई इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद देख के आते हैं कि हम इसको कितने में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 40 लीटर दिखा रहा है, एक मिनट भाई, कितना कम पैसा मिल रहा है भाई, $1 मिल रहा है हमें 1 लीटर का, $1 यार, तो बहुत ज़्यादा कम पैसा नहीं है यार, काफ़ी कम पैसा है $40। लेकिन यार इसमें तो 4 लीटर दिखा रहा था, उसमें 40 कैसे हो गए तुमसे, कुछ और होगा वो, मुझे काम करते हैं सेल कर देते हैं, ठीक है। $40 चलो मिल गया, वैसे देखा जाए ना तो ठीक है, इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं, क्योंकि हमें काफ़ी मतलब वेट नहीं करनी पड़ी, हमें काफ़ी जल्दी जो ऑयल है वो मिल जा रहा है, तो हमें इससे फ़ायदा तो हो सकता है, ठीक है। ये बात तो ठीक है कि हमें फ़ायदा होगा, बस हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ना, ताकि अपने पास काफ़ी सारा ऑयल इकट्ठा हो और फिर उसके बाद हम उसको एक ही बार में काफ़ी सारा मैं लेके आ जाऊँगा, फिर उसको बेचेंगे, ठीक है। 4 लीटर नहीं, 40 लीटर है, इसका मतलब भाई मैं काफ़ी सारा ऑयल वहाँ से लेके आऊँगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से अपने रेंच निकलना पड़ेगा, रात हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाकर फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।